Hi, hi, hi. Oh, fuck, leider. It's for everybody who doesn't know. भाई क्या हाल है? हाय हाय हाय, ओहो हो हो, क्या हाल है? फिर क्या हो रहा है भाई? कौन सा दिन है? एक तो दिनों का हिसाब नहीं रहता। हाँ भाई, फ्राइडे चल रहा है। फ्राइडे आ कितने हो? बेस्ट गाना। अरे बॉस भाई, अमन को लत लगवा दी भाई इस गाने की। भैनचोद, एक IGTV तक से तुम साले गाना सूंघ लेते हो, क्या जानवर हो भाई तुम लोग। बट हाँ भाई, गाना बहुत प्यारा है। तेरी मम्मी से मिला मैं, रुको भाई सुनो यार, रुको रुको। तेरी मम्मी से मिला मैं, जगराते में बिठाया उन्हें गाड़ी में, दिया उनको प्रसाद। देखो जी क्या है बात, बंदे हैं हम खुश मिजाज, मैं तो मेरी मोट कार काट ले चल सफर साथ। नचाते हैं मम्मियों को, घुमाते हैं गाड़ी में, दीदियों को सताते हैं, राखियां भी बंधवाते हैं राखी पे। सुर लग गए यार आज तो, मौज ही आ गई। बढ़िया है यार, बढ़िया है भैया। थोड़ी पाद मार दो। हट, लिपस्टिक लगा ली क्या? नहीं भाई, फिल्टर। हाँ भाई, कुछ तो लगाए। चलो वेरी वेरी नाइस। यस जी, क्या हाल है फिर भाई? इंटरनेट बचा लिया हमने, क्या कहते हैं, लास्ट वीक। काफी अच्छा लग रहा है, हमारी वजह से इंस्टा बैन नहीं हुआ अब तक, तो काफी हीरोइक फील्स आ रही हैं। आई मीन इट्स गुड मैन, इट फील्स गुड। फिल्टर हटा? नहीं भाई, नहीं हटा रहा। फिल्टर चोर, अबे जाना तेरा तो है भी नहीं। हट जाना, तेरे को मैंने दिया था ये वाला MC Stan। क्या करूँ फिर भाई, क्या कर रहे हो यार? आज तो फ्राइडे भी है, आज तो कुछ काम भी नहीं होगा। खैर, काम तो तुम पे रोज ही नहीं होता, मेरी मार लो। हट, क्या कर रहे हो भाई? लाइव YT पे कल आऊँगा भाई, आज तो इंस्टा पे कर रहा हूँ। यूट्यूब पे आना भाई। भाई कल आऊँगा ना, फ्राइडे रात ही। अब भाई फ्राइडे नहीं आता मैं, तुझे तुम्हें पता है ब्रो। भाई मेरी GF बन जा। डुएबल भाई, डुएबल, जेन्युइन बात है। सर पाद मार के चेयर फाड़ दो। अबे चेयर से याद आया भाई, आज मैं बैठा हूँ, रुको भाई तुमको आज दिखाता हूँ अपना POV। ये देखो, आज मैं यहाँ बैठा हूँ भाई सोफे पे, अपनी राज गद्दी को छोड़ के। ये गेमिंग गद्दी बड़ी है क्योंकि, और बड़ी की बात नहीं है इसके, मैंने ना भाई, हंसोगे नहीं पहली बार, ठीक है, बता रहा हूँ। बट एक ट्रस्ट बिल्ड करके एक बात बता रहा हूँ, कोई हंसेगा नहीं और दिखाया जाएगा बकायदा हुआ क्या चेयर को, ठीक है? कोई नहीं हंसेगा और कोई रिकॉर्ड तो करेगा ही नहीं, और YouTube पे डल रही है ना, तो भाई रिपोर्ट कर देना, मैं नहीं चाहता कोई देखे। तो भाई अब ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, सारे अपने ही लोग बैठे हैं। इनसाइड जोक है, आई मीन इट्स नॉट अ जोक, बट हाँ। तो भाई ये वजह, इस गेमिंग गद्दी पे बैठने की वजह यही है कि भाई ये जो चेयर के टायर थे वो मैंने पिचका दिए अपने वजन के मारे। भाई सच्चाई तो यही है, बट मैं ये बताता हूँ कि वो, उसकी 1.5 साल उम्र हो गई थी और उसके ना टायर वीक हो जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ी तेज़ी से बैठता हूँ, तुमको पता ही है, अब जब वीडियो बनानी होती है जोश आ जाता है, और भाई यश का भी चक्कर घर पे लगा ही रहता है। अब उसकी 150 किलो की संभाल नहीं पाती है चेयर, और भाई वो मुड़ से गए हैं टायर, मैं तुमको दिखाता हूँ। और एक तो बेचारा पता नहीं टूट के ही कहीं गिर गया, मेरे को मिल भी नहीं रहा वो। रुको, कैमरा कैसे स्विच करते हैं? हाँ भाई, अबे यार ये इसको साइड करते हैं। ये देखो भाई, तुमको दिखाता हूँ मैं, ये देखो पहले तो नंबर 1 5 टायर है। ये देखो बहनचोद, चेयर से ज्यादा तो इस पे बैठा हूँ लग रहा है, माँ कसम मुड़ ही गया है भाई ये। चलो छोड़ो, अगला देखते हैं। ये देखो क्या टॉर्चर किया गया है भाई चेयर पे, बहनचोद। 3, 4 और फाइनल मेरा फेवरेट है भाइयों, ये मेरी जमीन भी साफ करता रहता है। इस चेयर की यही खासियत है कि भाई जब भी मैं इस पे गांठ टिकाता हूँ, ये साथ में फ्लोर भी साफ करता है, तो इस कमरे में झाड़ू भी नहीं लगता। बढ़िया है यार, चेयर के 2-3 फीचर ही बढ़ाए हैं मैंने, मतलब इस पे बैठ के ना। बढ़िया है भाई, मैं तो ना कर रहा स्विच। कल आता हूँ भाई लाइव, लूटता हूँ तुम्हें कुत्ते के बच्चों, नई चेयर भी तो लेनी है। मजाक कर रहा हूँ भाई, बट सच तो यही है। कैसे हो यार? और बताओ भाई, क्या देखोगे रूम में? व्हाइट बोर्ड देखोगे? ये तो सालों से चेंज ही नहीं किया। मैं मिटाऊंगा ही नहीं भाई, ये बहुत फाड़ लगती है मुझे ड्राइंग। बट हाँ भाई, क्या हाल है तुम्हारे? आओ भाई
गेमिंग गद्दी पे टिका के बैठेंगे आज तो भाई, माँ कसम इतनी अजीब फील आती है ना भाई सोफे पे पीसी चलाने में, मतलब वो मजा कहाँ जो चेयर में इधर। और बताओ भाई कैसे हो यार, क्या नया चल रहा है भाई, माल मसाला क्या? एक दो चीजें भी पूछनी थी मुझे तुमसे, वो भी बात होगी भाई अभी, बट उससे पहले तुम लोग बताओ क्या चल रहा है। बहू के बारे में दो शब्द भाई, पता नहीं यार, नई शर्ट, हाँ भाई मैंने आयरॉनिकली खरीदी थी कि बंगाली बनना है मेरे को, और भाई मेरे को इतनी पसंद आ गई है ना, मैं इसी में घूमता हूँ ना, के बस सीधा यही पहन लेता हूँ, बढ़िया लगती है यार। लिपस्टिक क्यों लगाई है भाई यार, मेरे होंठ रसीले हैं, मैं लिपस्टिक नहीं है दोस्त, सीसी का पाएगा भाई, अब तू देख ले भाई, लगा ले भाई आज से, देख ले भाई। बेचारी चेयर यार, अबे बहन के लोड़े मेरी परवाह नहीं है तुझे, वो तीन बार उसका सरिया जो मेरी टांग में घुस गया उसकी, ये जो छिली मेरी भाई, ये देखो तुम लोग, मेरी चोटें दिखाता हूँ इस चेयर से, ये देखो ये बैठते हुए लगी है तीन चार बार, और यही घिसट घिसट के पड़ती रहती है हर बार, ये चार बार ठीक हो चुकी है, चौथी बार सेम चोट उसी जगह पे, माँ कसम कुरेद दी है भाई स्किन, इस पे आती नहीं अब, मांस आना बंद हो गया इतनी बार कुरेद दिया इसको। भाई लोग चेयर पे बैठते हैं कंफर्ट के लिए, मैं बैठता हूँ कि चलो भाई आज इंजेक्शन लगवाने तो जाना ही है, एक और लग जाएगा, कौन सा होता था यार वो स्टील लगने पे, मेटल जैसे जब लग जाती है स्किन पे, कौन सा इंजेक्शन होता है वो बहनचोद, भाई भूल गया बता देना यार, कौन सा होता है यार वो, कौन सा इंजेक्शन होता है जो मेटल लगने पे लगाते हैं, जब कैंची मैंची भी घुस जाती है लोगों के। हम भाई मुझे याद है, अगर मेरे को याद नहीं बट मैंने ये सुनाया हुआ है कि नहीं, स्कूल की बात है भाई, मैं भाई पहली या दूसरी कक्षा में था, तो भाई अब हो जाती है लड़ाइयाँ भाई दोस्तों की एक दूसरे से, और दुश्मनों की तो होती है, तो उस जमाने में ना बच्चों पे नई नई पेन लाते थे, मतलब तब काम भी नहीं होता था, स्टार्ट हुए थे पेन फोर्थ या फिफ्थ में, जब नए नए सीखते हैं पेंसिल लिखना पेंसिल को छोड़ के, बट लोगों को लगता था बच्चों को कि भाई पेन ला सकते हैं, अपनी मम्मी का बॉल पेन चुरा के ले आते थे, और भाई एक बंदा तो रोज ही स्मगल करता था, बच्चा ही था और उसको मैं आज भी जानता हूँ, बट उसका नाम नहीं ले सकता मैं क्योंकि भाई बुरा भी तो मान जाएगा फिर अक्षत, मतलब भाई मैं बस मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ तो भाई ये हुआ कांड, और भाई उसकी हो गई भिड़ंत, और उसकी ना इसकी रोज ही भिड़ंत होती है एक लौंडे से, तो भाई एक दिन उसने क्या किया अपनी मम्मी का बॉल पेन लेके, हाँ टेटनेस यस दैट वन या, तो भाई उसने ना बॉल पेन लिया और भाई जिससे लड़ाई थी उसके यहाँ यहाँ कुरे, ओ भैंचो छेद, हम लोग देख पा रहे भाई उसके खूनम खून हो रहा है, छेद हो गए भाई, वो मुंह से दो जगह से सांस ले सकता था एक ही मुंह से, तुम समझ रहे हो, उसको तीन जगह से सांस आती थी भाई। ये अचीवमेंट अनलॉक्ड वाली बात है, और भाई उसको मैं तो सोचता हूँ भाई टेटनस के इंजेक्शन लगे थे कि नहीं ये नहीं पता, बट हाँ ये तो सच है, ये कहानी है भाई, बट ये न्यू फीचर अनलॉक हो गया था उसका बच्चे का कि वो तीन जगह से सांस ले सकता था। बढ़िया है यार, बढ़िया है, गाने सुनोगे क्या ये बताओ यार, साउंड क्लाउड खुला हुआ है ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, चुप चुप सा बैठा है, बट हाँ अक्षत बुरा मान जाए, हाँ भाई गुड जोक, सही है भाई बढ़िया है। और बताओ दोस्तों क्या कर रहे हैं आप लोग आज, कैसे आप स्पेंड कर रहे हैं अपनी फ्राइडे नाइट्स? मैं गाने बजाता हूँ इसके बाद भाई, प्लीज हिलाना है, बूफ दिखा दे, बूफ ऑलरेडी डिगी ऑलरेडी पे। भाई तेरा डिस्कॉर्ड सर्वर बहुत टॉक्सिक है, तभी तो मैं नहीं आता। मुझे क्या, सीसी किस पे है? हाँ भाई इसी के लिए तो लाइव आया था मैं, शुक्रिया याद दिला दिया भाई। भाई सर जाट का बाल तोड़ के क्या खुजला दो, नो पानी पी ही नहीं पता होगा क्या। भाई टॉक्सिक गाने लगा दे, अच्छा भाई रुक ले भाई, लगा दिया अब मौज आएगी, गाना सुनो भाई बहुत बहुत फाड़ गाना है। भौंड में लंड तेरी, तेरी भौंड में लंड तेरी, फोन पे बंदी तेरी, तेरी जोन में बंदी मेरी, भौंड में लंड तेरी, बातें कर तो सुनहरी, चुप्पी मारे लाइन कोई बंदी इसकी निकले तेरी, ऊपर से नीचे तो ओ भाई बहुत फाड़ है यार, ये बहुत फाड़ है, बाद में सुनेंगे लेकिन। और बताओ दोस्तों, दोस्तों की कहाँ से लत लग गई भाई, ये कैसे मैंने स्मार्ट सपोर्ट वाली भाषा अपना ली अपनी, एक तो बहन चो मेरी हर 10 दिन में तो भाषा ही बदल जाती है, कभी फरीदाबादी कभी मुंबई, कुछ समझ ही नहीं आता, अब तो सब मिक्स हो गया भाई, मैं उल्टा ही कुछ भी सब मिला के ही बोल देता हूँ, तेरी भौंड चोद दूंगा बाबा, ऐसी पता नहीं चार पाँच भाषाएँ मिला दी हैं मैंने,
और उसी का फ्यूजन करता रहता हूँ हर रोज। फिल्टर हटाओ, नहीं भाई नहीं हट रहा। केसरिया का लगा दो, रुकियो भाई फिल्टर कैसे बदलते हैं बीच लाइव स्ट्रीम के। ओ भाई बदल गया, ओ ओ शिट। बट भाई फिल्टर हटाना चाहता हूँ मैं, दिखाना चाहता हूँ नेचुरल ब्यूटी। यस दिस वन आ गया बहन चोद, अब ठीक है नॉर्मल नॉर्मल सी पे आ गए हैं, बैक स्नैप बैक टू रियलिटी हो गया थोड़ा बहुत। बट हाँ भाई नशा दे दे, देख भाई लॉकडाउन चल रहा है माँ कसम, वरना तो भाई पहुँचा भी देता मैं, जुपिटर पे स्मगल करवा दे तो। पाब्लो दो प्लेट फिश टिक्का लगा, अरे भाई पाब्लो तो चला गया, अब दाढ़ी वाड़ी आ गई है और चाहिए भी भाई, क्योंकि वीडियो बनानी है कंटेंट चौकीदार, उसमें दाढ़ी आती है भरपूर रूप से मेरी, तो वो उग जाए तो बैठते हैं भाई काम पे। सेक्सी भाव, अरे हाँ भाई एक दो डाउट थे वो मेरे को तुमसे पूछने थे, हालांकि तुम तो मेरे से भी बड़े गांडू हो, बट हाँ अगर तुम तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो आज, तुम्हारा 1-2% भी काम कर रहा हो कुछ, मैं पहले समझा देता हूँ फिर बताता हूँ, फिर बताना तुम लोग। हाँ तो भाई ये सीन है कि ऑफकोर्स मैंने आज जो टीज करा है कॉन्टेंट चौकीदार वो तो आएगा ही, वो तो इन द प्रोसेस है राइटिंग में, तो वो तो मैं लिख ही रहा हूँ। बट उसके पहले मैं एक आधी फिर, मतलब मेन फोकस तो वही है मेरा, बट अब वो तो होता ही है ना भाई कि एक आधी और सब्स बढ़ जाएं तो भाई इम्पैक्टफुल हो जाए, और भाई मतलब साइड से वीडियोस बनाने का मन है भी मेरा, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि क्या माचुदा है, फिर लंबा ब्रेक लेके अब सीधा वही निकालता हूँ, तो इसी बात में मेरे को कन्फ्यूजन है। और उसके लिए ना अभी एक वो भी है, क्या कहते हैं, टॉपिक भी उभर के आया, कल परसों गौरव जोन ने कुत्ता उड़ा दिया, तो मैंने गौरव जोन पे आज तक बनाई भी नहीं भाई वीडियो, एक भी शायद किसी वीडियो में मेंशनड भी नहीं है वो, आई डोंट नो, पता नहीं याद नहीं मुझे। बट हाँ तो मैंने जोक्स लिखे थे और 5-6 बढ़िया जोक्स थे, मैंने टेस्ट रन करे थे लोगों पे, तो मैं चाहता हूँ बनाना, मेरे को ये नहीं पता मैं वो लाइव स्ट्रीम पे मार दूँ जोक्स आज वाली, या कल जो मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा, या तो मैं वीडियो खींच दूँ जैसे भाऊ वाली वीडियो खींची थी एक बारी कि उसमें 10 मिनट पे जोक्स ही थे शुभम मिश्रा और उस पे। तो ये सीन है ना भाई कि अब इस महीने में 3 दिन है, अब इन 3 दिन में वीडियो भी बना दूँ लाइव भी आ जाऊँ ये तो पॉसिबल है नहीं, तो और लाइव तो आना ही है, तो मैं सोच रहा था यार वीडियो टाल दूँ ना बनाऊँ और जोक्स ऐसे ही सुना दूँ, या फिर एक थ्रेड बना दूँ इंस्टा पे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जिन दिन को बात समझ आई है तो बताओ क्या कर सकते हैं, बताओ भाई, भाई जल्दी वीडियो डालो भाई, तेरे दिमाग में लैंडा भरा है क्या, अभी तो बताया मैंने तेरे से ही तो पूछी क्या करूं भाई, मत बनाओ उस पे। मैं भी ऐसी डाइसी सा सोच रहा था, वीडियो बनाओ भाई, मैं बना तो दूंगा, बट तुम ये भी तो समझो कि लाइव स्ट्रीम भी करनी है इस महीने का भाई, वो भी तो नहीं निकाला रेवेन्यू इस महीने, एक भी लाइव स्ट्रीम नहीं करी मैंने तो भाई। अब भाई ये तो है नहीं कि इसी पे बैठ के निकाल दूं तुमको, शायद भाई वो मैं कल लाइव स्ट्रीम पे ही बताऊंगा खैर। बट हाँ कल लाइव तो आना ही आना है भाई, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को यूट्यूब पे लाइव आना है मुझे कल, वीडियो का देखते हैं कल लाइव स्ट्रीम पे ही देखते हैं, अगर लाइव बढ़िया चली गई और मेरा मन हुआ वाई बारी होगी, बट फिर टॉपिक ठंडा पड़ जाएगा, कल लाइव स्ट्रीम पे सुना दूंगा जोक्स, माचुदा नहीं बना रहा मैं वीडियो इस टॉपिक पे। बेंचो देख ही टॉपिक है, या तो टॉपिक मेरे पे होते दैनिक रिशू लाइक कि भाई 5-6 टॉपिक और मैं सब पे जोक बना दूं, बट गौरव जोन में 10 मिनट नहीं खींच सकता भाई माँ कसम, ऐ नहीं बना रहे, हाँ भाई मना ही कर दी मेरे को, ले ले हट जाना भाई वीडियो बना, अरे भाई कहने से थोड़ी बन जाती, नो गौरव जोन ठीक है भाई रहन देते कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो डाल दे पर जोक्स ऐसे ही मत डाल यार, क्या बोल रहे हो, वीडियो बना दो भाई यार, कहना आसान होता है लेकिन भाई फिर ये भी तो है कि टूटी चेयर पे एक और बार बैठना, मौन करके दिखाओ भाई कैरी का वीडियो कैसा लगा, वाओ गुड है जी, गुड है, बढ़िया है, गुड शिट, गुड है भाई, रहन दे, हाँ भाई रहन दिया, नहीं बना रहा। अबे भाई यार ये बालों का क्या भूसड़ा हो रखा है बहन, चो ना ही नहीं खुल रहा, पता नहीं भाई क्या होता रहता है ये घर पे मूंछी आके बोलते हैं भैया कटवा लो, आपके तो वैसे भी गंदे ही हैं बाल, भाई नहीं कटाने ना मुझे यार, लेकिन बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, सही बता रहा हूँ, नहीं भाई कटाने पड़ेंगे यार, फक बहुत अजीब लग रहे हैं, एक तो ये मैं जो मूछे भी नहीं कटाई ना, बहुत अजीब सी लग रही हैं, ये साली मुंह में आ जाती हैं खाना खाते हुए, लाइव में खींच दे ब्रो, चल लाइव में ही बोल दूंगा यार जोक्स जो लिखे 5-6 ही हैं, अब मैं और 10 लिखता उस पर वीडियो बनाता मैं पक जाता यार,
एक उस पर कितने जोक बना दूं। वैसे भी लोगों ने वो सब तो फिगर आउट कर ही लिए हैं, मेन वाले जोक्स टॉपिक को खुरेद दिया ऊपर से सरफेस लेवल से, तो मैं अगर मैं एक दो निकाल भी लूंगा ना अंदर जाके जोक्स, तो वो मजे नहीं आएंगे। फिर बेस लाइन वही है ना कि कुत्ता उड़ा दिया कुत्ता उड़ा दिया। कल करूंगा भाई लाइव स्ट्रीम पे बकचोदी इस बारे में। अभी बहुत सारे जोक्स हैं मेरे दिमाग में बट मैं लाइव पे नहीं बोल रहा। पापा कैसे हैं भाई जी? अरे भाई उनकी तो कब की नेगेटिव आ गई भाई रिपोर्ट। वाऊ का फ्यूचर बड़ा है कि नाक? जल्दी बताओ, नाक तो छोटा ही है भाई। गज्जू कैंसिल करो, मुश्किल है भाई, शक्ल नहीं दिखाता। लाइफ पर बोल के इंस्टा पर डाल दियो चूतिए। नहीं भाई ये नहीं होता मेरे से। कभी फुर्सत से बनाएंगे गौरव जोन पे, हाँ देखते हैं। ट्रू, ट्रेंड पे मत बनाओ वो, ट्रेंड पे मत बनाओ वॉश, ट्रेंड बनाओ। सही है भाई यार। तेरे पापा की बॉडी बन गई क्या भाई? दादा की बननी थी बॉडी, तो पापा की कहाँ बनवा रहा। सुअर, बिग नोज गैंग भाई, छोटा सा नाक है मेरा बहन के लोड़ो, पागल हो गए हो क्या भाई? इनसिक्योरिटी इनलॉक कर दोगे क्या? एक और कैंसिल रणदीप हुडा भाई, क्या कर दिया उसने? अब क्या एग्जॉटिक डांसर्स बुलाना भी पाप हो गया क्या इस देश में? लाइव स्ट्रीम प्राइवेट मत करना प्लीज। अबे बहन चोद, इंस्टा पे खींच रहा हूँ यार, अब के यहाँ पे कहाँ प्राइवेट कर दूंगा भाई? एलविश की गांड फाड़ दो। ओ भाई बदतमीजी, बॉम्बे का बारा भाई। भाई बुलाते तो रहते हैं भाई, एक आधी तुम्हारी कॉलेज के लौंडे। हाँ भाई ऐसे कुछ तो था कि एक दो मेरे को मेल आए थे भाई इस साल शुरू में कि भाई हमारे कॉलेज में इवेंट है वाऊ, और आप ना स्पेशल गेस्ट की तरह आ जाओ, और इवेंट की फोटो भेज रखी भाई। बस एक मैदान में 10-5 चेयर लगा रखी थी और वो इवेंट बोल रहे थे। बहुत ही अजीब सा था भाई, कोई डांस तो इवेंट था मुंबई में, और कह रहे थे भाई आपकी ना हम टिकट विकेट भी करा देंगे, आप स्पेशल गेस्ट बन जाओ, ये देखो फोटो लास्ट ईयर भी करा था, कितना फौड़ है क्राउड। और क्राउड में बस 10-5 चेयर रखी है भाई, और टेंट लगा गंदा सा, उसी पे कुत्ते मुंह उतरे हैं, हग रहे हैं वहीं लोग बहनचोद। अजीब ही था भाई, बहुत अजीब था भाई। मैंने रिप्लाई नहीं करा, मेरी फट गई भाई। अपने कॉलेज में गया है कभी इवेंट में जाएगा? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, मैं तो कॉलेज में नहीं गया। बूब्स और बट भाई जो ना मिल पाए दोनों। वो वेस्ट बंगाल घूमाओ भाई, वेस्ट बंगाल इज बेस्ट बंगाल, लेकिन वेस्ट बंगाल के लोग मुझे कैंसिल करने पे तुले हैं भाई। मैंने बोल दिया वेस्ट बंगाल इज बेस्ट बंगाल, तो लोग भाई वेस्ट बंगाल के ऐसे हो रहे कि भाई इसने वेस्ट बंगाल बोल दिया WASTE। और भाई मैं देख रहा हूँ 5-10 लॉन्डे वेस्ट बंगाल से वीडियो बना रहे अपने अपने चैनलों पे, और भाई मुझे समझ नहीं आ रही। बट मैं भाई कह रहा हूँ यार तुम पागल हो क्या भाई? मैं बंगाल को कित मैं क्या मैं बंगाल की बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ भाई? इज्जत भी तो हो। बट भाई मेरे दोस्त रहते हैं बंगाल में भाई, मैं क्यों बेइज्जती करूंगा बंगाल की? भाई अब मैं पॉलिटिकली सेक्सुअल नहीं होना चाहता, बट बंगाल का मैप बहुत सेक्सी है भाई, मतलब अच्छा लगता है भाई। आसाम की तरफ देख के कोई तो सीटी मार रहा है। बढ़िया मैप है भाई, ऑल आई एम सेइंग इज दिस कि बहुत बढ़िया मैप है। नो ऑफेंस टू एनीथिंग बट बंगाल इज जस्ट सेक्सी, आई कांट हेल्प इट। सीसी कब? अबे यार चुप हो जाओ, मैंने गलती कर दी भाई। मैं मेरी नई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब लगी, मैं तो वो दिखा रहा था सीसी वीसी क्या है ये। पिंड ट्वीट याद नहीं क्या? पिंड ट्वीट, अच्छा पिंड, ओ माँ भाई पिंड ट्वीट का क्या हुआ? रुकना भाइयों, पिंड ट्वीट पे डेट क्या है किसी को याद है? भाई आओ यार ये देखो, अरे यार मुंह हिल जा। ये याद है तुम लोगों को 21/6/2021, अभी क्या है 28/5, 28/5, 3 हफ्ते ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट 3 भी क्या, कितने 4 ही मान लो, 4 से थोड़े कम, 1 महीने से थोड़ा कम रह गए हैं। तो हाँ भाई मतलब कह सकते हैं कि कुछ हो नहीं पाया है। पहन के लोड़ो पागल हो गया यार, लाइक भी कर रहे हो जाके यार, रिप्लाई क्या है या ओके, और बस मेरी फोटो डाल रखी है लड़की बना के। ठीक है भाई, ठीक है भाई, एक और साल ट्रोलिंग का। इस साल क्या है देखते हैं भाई, अभी डेट नहीं आई है, जब तक डेडलाइन पूरी नहीं हो जाती मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, अभी हुआ नहीं है।
21 जून आने दो और फिर बात करते हैं भाई, किसकी बंदी है किसकी बंदी नहीं है, ठीक है? ऐसे अच्छा लगेगा कि मैं अभी अपनी हार अनाउंस कर दूंगा आराम से। एक महीना तो होने दो, टाइम लगाने दो ना भाई, भाई ट्वर्क करके दिखाओ। नो और बताओ यार, मेरे को कुछ बता तो दो यार, तुम पे भी कुछ रहता नहीं है वैसे, मैंने देख लिया, लाइव आने का फायदा तो है नहीं। अबे जाना तू जा। ओ भाई एक तो ये नई बदतमीजी सीख रही है तुम लोगों ने, मेरे कमेंट्स में ना बस यही चलता रहता है अब, कि मैं फोटो डालता हूँ और एक बंदा लिखता है अबे जाना, उसको एक दूसरा बंदा रिप्लाई करता है तेरे से पूछी किसी ने, और वही बंदा पहले वाला रिप्लाई करता है उससे तुझसे कही मैंने, और ये बदतमीजी, और ये पूरी थ्रेड चलती रहती है भाई, अबे जाना तेरे से पूछी मैंने, तुझसे कही मैंने, तुझसे पूछी। भाई मत किया करो भाई, अच्छा नहीं लगता भाई कि कमेंट्स में सिर्फ यही भर रखा है। भाई तुम तो यार बड़े बदतमीज हो यार, कुछ अच्छा ही नहीं लिख रहे। अबे जाना तेरे को बोला किसी ने लाइव आने को, तुझसे कही मैंने, तेरे ले आ रहा हूं, मर्ज बनाऊं क्या तेरी? नो भाई, बना तो रखी भाई लेकिन बिक नहीं रही है भाई। बिक क्या नहीं रही, मतलब डाली नहीं अभी वेबसाइट पे, पता नहीं अजीब सा चुतिया आप है, मेरा तो सर दर्द होता रहता है। मेरे को एक दिन में भाई मतलब ऐसा सीन हो गया, मैंने रेड वुल्फ वालों से बात भी कर रखी है, बट वही है ना बहनचोद की अभी डर लग रहा है मेरे को निकालने में। मैंने 2 साल से बस प्लान कर रखी और अब मैं निकालने जा रहा था और फिर ये वही हो गया, लॉकडाउन पड़ गया, तो मैं अभी डाइसी सीन है भाई। लोग अपने क्या कहते हैं घर में भाई, बाहर बिस्लेरी की बोतल ना ला रहे भाई, टंकियों से पानी पी रहे हैं इस वजह से कि भाई कुछ हो ना जाए, तो भाई मैं मर्ज कैसे निकाल दूं इस समय, तो मैंने होल्ड पे रखी हुई है भाई। बाकी हाँ मेरे को आते रहते हैं मैसेजेस श्याम गारमेंट वगैरह से, श्याम गारमेंट्स वाले मेरी मर्ज को वो करना चाहते हैं स्पॉन्सर, तो श्याम गारमेंट्स के साथ कोलैबोरेशन जल्दी आएगा भाई। तुझसे पूछी किसी ने, तुझसे कही मैंने, भाई कुत्ता उड़ा। हाँ भाई कुत्ता उड़ा भाई, करीब दीप को शाउट आउट दे दे भाई, करीब दीप तो भाई दोस्त ही है, करीब दीप को क्या शाउट आउट। सर आपकी नेवल में नमक रख के चाटना चाहता हूँ प्लीज सर। भाई देख तेरा आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन तू ये भी तो समझ भाई कि तू सिर्फ नमक नहीं इनहेल कर रहा है उस समय, तू भाई वो सब भी तो, तेरे को अच्छा लगेगा भाई कि कंबल की जो, खैर छोड़ भाई तू बुरा मान, मैं बुरा मान जाऊंगा बल्कि भाई। सोनागाची कब जाएगा वो भाई? बस वहीं का रह गया भाई मेरा, एक वर्ल्ड टूर में वही एक सपना है मेरा, सोनागाची जाके मैं विराजमान स्थापित कर दूं भाई। बाकी सब तो मैंने अचीव कर ही लिया लाइफ में, अब ऐसे एक पीक जो मेरे करियर का पीक मारेगा ना, वो जो सोनागाची ब्लॉग आएगा मेरे चैनल पे वो बेस्ट होगा भाई। पिकअप टू द मून, हाँ भाई सुअर पे लगा दो हाइड्रोजन के गुब्बारे और पहुंचा दो भाई। लेकिन भाई आयरॉनिकली कह रहा हूँ, मुझे अरेस्ट मत कर लेना भाई, 12th की टिप्स दे दे भाई। मेरे को जो टिप मिली थी वो तो यही थी भाई, भाई रिसु भाई बस कैलकुलस कर जाओ भाई, पास हो जाओगे भाई, मां कसम खा रहा हूं बस कैलकुलस कर जाओ। और भाई मैं करके गया भाई कैलकुलस, और मैं पास हो गया। तो भाई मेरी तो यही टिप्स है कि भाई कैलकुलस कर जा भाई, ये कैलकुलस क्या होता है। वॉट इफ इंस्टा FB व्हाट्सएप पर वीडियो बना दे, मैंने कर तो दी भाई, उड़ा दिया BC, क्या उड़ा दिया सर। ओनली फैंस कब खोलेगा सर? देखते हैं। और एक और जो चीज मेरे को लोग बोल रहे थे भाई लास्ट IGTV के बाद, और अमन भी कह रहा था मुझे कि भाई क्या भाई मेरा फेस स्ट्रक्चर क्या पतला हो गया नीचे से, क्या बहनचोद ये क्या बाहर उभर के आ, ये क्या रिफाइन हो गई है मेरी लाइंस क्या? मतलब मैं नहीं बोलूंगा भाई, जो लाइन इतनी बेइज्जती नहीं करना चाहता मैं। रिशु लॉकडाउन तोड़ के बियर पीने आ जा ब्रो। अरे विनम्र भाई आप बुलाएं तो सर, आपका मकान हम चोरी करने आके, आपसे चाबी ले लें सर, कितने पैसे में चौकीदारी भाई। देखते हैं अभी सिक्योरिटी गार्ड का अभी वो चल रहे हैं भाई एंट्रेंस एग्जाम, तो वो दे के बताऊंगा। तेरा हुआ कैलकुलस भाई, होता क्या है भाई? CBSE कैनविल करा दो, कैनविल ही करा दो सीधा, कैंसिल भी नहीं। सरकेस्टर ने क्या रिप्लाई दिया भाई? पता नहीं, देखा नहीं यार। पापा कहाँ हैं भाई? अंदर ही होंगे ना, जाहिर सी बात है इतने लॉकडाउन में, ऊपर जाएंगे तो नहीं छत पे।
भाई सेक्सी हो गया तू पहले से, नो होमो भाई, वो तो फिल्टर नहीं लगा रखा अभी, वरना तू माँ कसम गाली बकता। जॉ लाइन शार्प हो रही है कह सकते हैं, डबल चिन जा रही है हाँ भाई कह सकते हैं, नहीं अभी है काम करने को, बट हाँ कह सकते हैं। कमाता कितना है? अब आप ये पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं? बस जितना आपकी बेटी एक महीने में सुपर चैट कर देती है। सर नहीं कमाता हूँ, साफ सीधे कह रहा हूँ, आप क्यों रैप करा रहे हो? जो लाइन छोड़ भाई, व्लॉग स्टार्ट कर दे भाई, क्या दिखाऊंगा मैं इस घर में, इस घर में क्या दिखाने को बचा है? ये टूटी हुई कुर्सी, ये गेमिंग गद्दा। कितने किलो कम हुआ वजन भाई? पता नहीं, इस मौसम में कर नहीं पा रहे हम, तोल नहीं पा रहे अपने आप को। शेविंग कर ले ऊपर से नीचे तक? नो माँ, क्या भाई यार, अब पका रहे हो? सर सही कह रहे हैं, हम आप पका रहे हैं और हमको कुछ इंटरेस्टिंग करना है। अब आप सर कुछ बता रहे हो तो बताओ, नहीं तो हम निकले यार, नींद का टाइम हो रहा है। स्लीप स्केड्यूल सुधर कैसे रहा है भाई? 10 बजे नींद आ जाती है अपने आप। भाई फैट लॉस टिप्स दे दे यार, पता नहीं भाई अपने आप ही हो गया यार। अबे जाना, यस नो, नेक्स्ट व्लॉगिंग पे बना दो क्या? यार व्लॉगिंग तो नहीं हो पाएगी इस मौसम में, बट देखते हैं क्या सीन है। अब तो यार लग रहा है सीधा वही आएगी मेन वीडियो, एक बड़ा सा ब्रेक लेके अब सीधा निकाल ही देंगे, काफी टाइम हो गया है। और हाँ भाई अब सीधा निकाल ही देते हैं, बहुत हो गया, इतना हाइप जो कर दिया भाई। मैं देख रहा था 1 घंटे में कुछ तो 10,000 लाइक्स हो गए थे, वाह। बट सही है, बढ़िया है, अच्छा लगा देख के, बहुत हाइप डब है भाई। सो जा, हाँ भाई जा ही रहा हूँ इसके बाद। भाई शॉर्ट्स बना दे ना भाई, मैं कैपरी बनाऊंगा भाई, 10 ही तो बजे हैं, गुड नाइट। वो पे बहन के लोड़े बोल भी रहा 10 बजे, फिर गुड नाइट भी विश कर रहा, इस पे हिंट तो दे दो। अबे भाई क्या पहेलियां बुझाने आया हूँ मैं, हिंट देने? हिंट नहीं देना ना, यही तो मेन पॉइंट है, हिंट क्यों देना है, सीधा आएगा ना। हिंट दे दिया फिर जाके उसको बक दोगे, वाह आप पे तो आ रहा सी, आप तो कहे इससे पहले वो सब प्राइवेट कर ले और फिर भाई बनी नहीं पाएगी वीडियो। हिंट दे दो जी, न्यू सॉन्ग वेन? हाँ भाई कर भाई काम, भाई सॉन्ग बना हुआ है भाई, जगह तो बना हुआ है, बट उसका शूट नहीं कर सकते क्योंकि भाई जो भी उसके गाने में फीचर्स हैं वो लोग फरीदाबाद से और मैं दिल्ली से हूँ, तो टू बी प्रिसाइज मैं ईस्ट दिल्ली से हूँ, तो भाई हमें समझ नहीं आ रहा कम गंदी जगह कौन सी है, तो शूट का भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही हमें पता चल जाता है कि भाई हम कहाँ पे अपनी वीडियो गंदी बनाना चाहते हैं, ईस्ट दिल्ली या फरीदाबाद, तो हम साउथ दिल्ली चले जाएंगे भाई उस दिन। मुझे बेसमेंट में से निकालो, देख भाई वैभव, मुश्किल है भाई बट हाँ ट्राई कर सकते हैं इस लाइव स्ट्रीम के बाद। भाई सोफा मार के पात दे क्या? या नो हिंट, बस जल्दी निकाल। हाँ भाई अगले महीने आ जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली, नो प्रोमिसेस, बट अगर सब ठीक रहा और जैसे हग्गा पे भी कम ही मच रहे हैं, मैं देख रहा हूँ केसेस गिर रहे हैं दिल्ली में, 1,000 कुछ हो गए हैं आज, कल के जो भी हैं, एक जो आते हैं एक दिन बाद आते हैं पहले के। हाँ BGMI का क्या ओपिनियन है गाइस? BGMI पे यही ओपिनियन है, आप 50 लाइक्स पूरे कर दीजिए और हम आपको ID पास दे देंगे। 50 लाइक्स कर दो इस लाइफ, ID पास यार पता नहीं भाई, अब मेरे को नहीं लगता भाई कि कोई अनआयरॉनिकली खेलेगा गेम को। वो जो पुराने OG प्लेयर्स हैं ना, जो कोरिया के सर्वर पे पूरे दिन बुंड मराते रहते हैं चाइनीज लॉबी में, और जो भाई उनके कच्चे बनियान सिलने वाले लॉन्डे उस सर्वर पे काम करते रहते हैं पूरा दिन, अपनी आंखें भैंचो फोड़ते रहते हैं, वो बच्चे भी ना खेले भैंचो BGMI तो। बट अगर तुम भाई पूरे ब्रेनडेड हो तो भाई जाओ भाई करो, इसमें भी ग्राइंड करो, करो भाई रैंक पुशिंग पूरा पूरा दिन, तुम्हारा तो भैंचो दिमाग ही खराब है। प्रेरणा आई लव यू सो मच। देखो भाई मैं पूरी ऊपर से नीचे तक लिस्ट चेक कर चुका हूँ और इस चैट में ना तो कोई प्रेरणा है नहीं, तो भाई यहाँ मत बोल, DM पे बोल दे जाके उसके, वाओ ने मुझे गाली दी भाई, तू खुद को ही देख के मुठ मारता होगा। हाँ भाई
भाई तुझे कैसे पता? डायनेमो के 10 मिलियन होने वाले हैं। हाँ, और आप अभी का कर रहा हा? मैं भाई अभी भी सिखा रहा हूँ लोगों को अनुप्रास कैसे लगाते सेंटेंस में। आई एक एक आई वोवल होता है भाई, मैं बस ये सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ इस दुनिया को। जिस दिन वो सीख गए ना सब, मेरे हो जाएंगे भाई 10 मिलियन, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन सबको आ गया ना भाई आई लिखना लास्ट में, हाँ और ये सब के बाद, तो भाई मैं उस दिन सफल हो जाऊंगा भाई। मेरे 10 मिलियन के बराबर ही है वो। स्नेहा हर्ष को अनब्लॉक कर। अरे बहन की लौड़ो, क्यों करते रहते हो यार ये मेरी चैट में गंदी करने आ जाते हो अपनी। अब भाई मेरे से तो बात कर लो, अपने में क्यों कर रहे हो? भाई मोमोज रेडी? अबे भाई कहाँ से मोमोज लगाऊंगा भाई, नींद आ रही है यार, ये क्या रेसिज्म है भाई? क्या मैं आंखें पे पानी मार के आ रहा हूँ भाई, तुम उल्टा बोल रहे हो, अब ज्यादा हो रहा है भाई मोमोज वाला एंगल ना, इसे फनी भी नहीं लग रहा अब। मुझे सिखा दो भाई, क्या सिखा दूँ, कुत्ता हूँ भाई। लेकिन गौरव जोन ने एक विराजमान स्थापित तो किया है भाई, उसे परमवीर चक्र तो मिलना चाहिए भाई। दिल्ली में आज तक कुत्ते बन रहे थे भाई, उसने उड़ा के दिखाया भाई। भाई की दाद देनी पड़ेगी भाई, जितनी दे सकते हैं। वाव लड़की दिला दो। अबे बहन के लौड़े, ये यूजर नेम में से आई तो हटा ले इतने सारे, तब तो लड़की को दिखेगा यूजर नेम, वो स्पैम में डाल देती तेरे को। डॉलर हाँ भाई। यस। नेपाल आया है कभी? भाई ये कैसा सवाल हुआ, तू कैसे पूछ सकता है ऐसे रैंडमली? मैं बस भाई नहीं आया मैं यार, ऑब्वियसली भाई मैं कह तो रहा हूँ मैं नहीं गया भाई फॉरेन आज तक। बट भाई मैं एक टेक्निकली बात पूछना चाहता हूँ, अगर मैं नेपाल गया तो क्या वो माना जाएगा कि मैं फॉरेन होके आया हूँ? टेक्निकली पूछ रहा हूँ भाई, भाई बताओ यार, मतलब मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ, क्या वो माना जाएगा कि मैं नेपाल होके आया हूँ? अगर मैं नेपाल हो गया तो क्या वो माना जाएगा कि मैं फॉरेन होके आया हूँ, या वो माना जाएगा कि भाई नहीं यार आप तो बस एक इंडियन एक्सटेंशन में चले गए थे बस? नो हाँ, तो भाई फिर नेपाल का टूर लगाते हैं भाइयों एक, सही बता रहा हूँ। बहुत मैंने देखा है भाई, वहाँ बहुत फैंस भी हैं मेरे नेपाल में, और भाई बहुत प्यार करते हैं मेरे से। अभी तुम्हार बालोबाशी, वो बंगाल है। बट हाँ भाई, 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 माना तो जाएगा भाई, नेपाल की कच्ची मिट्टी है भाई, माना जाएगा भाई नेपाल के लिए, नेपाल के लिए माना जाएगा कि मैं फॉरेन से आया हूँ भाई। सब कुछ तो नेपाली है क्या? ये बंदा कितना डिप्रेस्ड है भाई लाइफ पे, इतने दुख से बोल रहा है भाई। अगर आप देखें ना सर, इफ यू आर डेलाइट इनफ ना देन एवरीथिंग इज नेपाल। आपने कभी दिल्ली के मोमोज खाए हैं सर? मैं कुछ नहीं कह रहा, बट एवरीथिंग इज नेपाल इफ यू आर इंडियन इनफ। वाओ क्लब हाउस में आ जाओ भाई। क्लब हाउस में मैं आया और भाई बहुत ही ज्यादा अजीब है भाई कि तुम डिस्कॉर्ड से भी ज्यादा गंद कहीं मचा सकते हो, तो वो क्लब हाउस है भाई। भाई तुम एक बात बताओ, क्लब हाउस मैंने बहुत पहले देखा था, मेरे घर आए थे करुण भैया, उन्होंने मेरे को दिखाया था, उन पे आईफोन है ठीक है, और तब कोई बात नहीं कर रहा था, कोई मीम नहीं, कोई कुछ नहीं, कुत्ता भी नहीं मूत रहा था क्लब हाउस पे भाई। और अभी 3 दिन से इतनी भयंकर मीम्स और पूरा एक कल्चर जो रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड कि भाई क्लब हाउस, क्लब हाउस, क्लब हाउस, क्यों? इससे क्या साबित होता है कि भाई अगर चीज एंड्रॉइड पे आ गई ना, गंद मचना तो पक्का है भाई। कुछ नहीं भाई, एक मीम नहीं बन रही थी, बट जैसे एंड्रॉइड पे भाई क्लब हाउस पे आ गए, वाओ आप तो क्लब हाउस पे आ गए, वाओ इसी तो ज्वाइन कर लो भाई, बदतमीजी चालू हो गई एंड्रॉइड पे आते, वाओ आप तो अकाउंट बना लो, क्लब हाउस पे आ जाओ, हट जाना। मैं क्लब हाउस पे क्यों आऊं? ताकि ऐसी 2 जगह मेरे पास जहां मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता? ओ भाई रिशु हो रहा रूड, तेरी चिन पर स्कार कैसे आया? Q&A में है माता राम, Q&A देख लेना जाके, इस साल का था हाँ, लास्ट ईयर का Q&A में बता रखा है। यस भाई यार स्टोरी टाइम करते हैं यार, कुछ कहानियां सुनते हैं यार लोगों की, और मैं भी अपनी कुछ सुनाता हूँ भाई, ये इससे याद आया स्कार वाली कहानी से भाई। नेपाल जाना भाई, तू नेपाल छोड़ इंडिया आ ब्रो,
सोने जाना। हाँ भाई जाऊंगा यार, ऐसे भगा तो मत। तू हटियस यार। भाई स्टोरी टाइम चालू कर देते हैं, फिर स्टोरी सुनाता हूँ मैं तुमको। अभी क्या महीना चल रहा है यार, इससे याद आया मुझे बंदी वाला ट्वीट देख के कि भाई मई चल रहा है 28। तो भाई इस वक्त पढ़ती हैं, अगर तुम गए होगे, वैसे तो आधे गए नहीं होंगे, बट हाँ अगर तुम कभी स्कूल गए होगे, अगर पापा ने ट्रैक्टर छुड़वा के कभी दिखाया हो भाई चेरा प्ले वे स्कूल का भी, अगर तुम किडीज विडीज में भी गए हो बच्चों वाले स्कूल में, तो हाँ भाई तुम्हें पता होगा इस वक्त पड़ती गर्मियों की छुट्टियाँ, ठीक है। और भाई एक चीज़ होती है भाई, हमारे स्कूल में मिलता था अखबार, विच शैल रिमेन नेमलेस अखबार का नाम, क्योंकि भाई भेलपुरी वालों को धंधा चलाना है अपना, और वो नहीं चाहते कि भाई वो पेपर्स ख़त्म हो जाए। उस पेपर का यूज़ यही था भाई कि हमारे स्कूल के बाहर बैठता था एक भेलपुरी वाला, और भाई सब जाके अखबार उसी को दे देते थे, क्योंकि भाई उस पे पेपर की कमी रहती थी। वो भाई यूज़ करता था वो जेनविन वाले अखबार जो 2-3 रुपए के आते हैं, बट भाई हमको तो फ्री मिलते थे, हमारे तो स्कूल का खर्चा यही था। स्मार्ट बोर्ड हम तोड़ देते थे, स्मार्ट बोर्ड तुम्हें पता हो अगर भाई, वो जो कैलिब्रेटर से चलता था भाई स्मार्ट बोर्ड, जिसपे बेंचो दिखाने की खूब कोशिश करी स्कूल वालों ने, बट कोई पढ़ा नहीं उससे। एक ऐसी चीज़ जो भाई लगी हुई है क्लास में बड़ी, बस वो स्पेस खा रही है, उसने बस ब्लैक बोर्ड का आधा हिस्सा घेर रखा है ताकि उसे कोई ना देखे। टीचर भी इतनी गाली बकती थी ना बहनचो स्कूल वालों को कि क्यों लगवा के दे रखा है, उसको साइड में लिखना पड़ता था लेफ्ट और राइट में। यूजुअली टीचरें ऐसे लिखती हैं, बट हमारे यहाँ उर्दू चलती थी भाई, सब टीचरें उल्टा लिखती थी वहां पे, क्योंकि जगह ज्यादा मिलती थी उससे भाई। अब भाई ऐसा ही सीन था, बट मेन कहानी यहाँ पे ये नहीं है। मेन कहानी यहाँ पे ये है कि भाई अब तुमको पता होगा कि भाई उस अखबार में होती थी समर कैंप नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ तो चीज़, नोटिफिकेशन नहीं, वो समर कैंप का कॉलम होता था। तो भाई समर कैंप अगर जिनको पता हो जो अच्छे स्कूल में जाते हो, एलकॉन डीएवी, तो वहाँ पे अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बट हमारे स्कूल में 3-4 चीज़ें ही हुआ करती थी, स्विमिंग समर कैंप, क्रिकेट समर कैंप, डांस म्यूजिक, और बच्चों का फेवरेट क्रिकेट ऑब्वियसली। तो भाई ये सीन होता था कि भाई क्रिकेट और डांस टू मोस्ट पॉपुलर समर गेम्स, जिनमें भाई मैंने भी ज्वाइनिंग करी थी, और मैंने शायद क्रिकेट में करी होगी, नहीं क्रिकेट में करी थी या स्विमिंग में करी थी शायद, याद नहीं, बट भाई डांस में काफ़ी लोग आते थे। और क्यों, इसकी वजह क्या तुम पूछोगे, हमारे स्कूल में अगर तुम्हें पता हो भाई, एक अगर तुम्हें पता हो भाई डीआईडी का जस्ता टेरेंस, वो हमारे स्कूल में डांस सिखाता था, और मजाक नहीं है भाई, कोई सच बात है, जेन्युइन बात है। वो रहता भी किसी ऐसी कारखाने से, मैं था तब इतना फेमस नहीं था, बहुत ही अंडररेटेड आर्टिस्ट था टेरेंस, ठीक है। और भाई स्कूल के पास ही किसी तहखाने में उसे सुला देते थे, तो भाई वो यहीं पे डांस सिखाता था हमारे स्कूल में, और भाई बच्चे सीखने आते थे। और भाई मजाक भी नहीं है, ये कोई जेनविन कहानी है, जेनविन बात है। और उससे एक बच्चे ने, बस अब बच्चों ने सीखा, और एक बच्चे ने प्रैक्टिस दी फुल 3 साल, उससे सीखा 3 साल लगातार, और भाई वो डीआईडी में गया, और भाई सरप्राइज सरप्राइज उसको भाई रिजेक्ट कर दिया, उसको याद ही नहीं भाई उससे सी उस दिन वो एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हो, बट ये कहानी सच है भाई, उस पर सब फॉर्म वॉर्म थे डीआईडी का, और वो बस ऐसे उसको रिजेक्ट कर दिया डीआईडी में, और टेरिस को देख, सर आपसे सीखा है मैंने, कह रहा कहा, कह रहा सर इस वाले स्कूल में, कह रहा तुम झूठ बेटा तुम आते नहीं होगे क्लासेस में, मैं सही बता रहा हूँ। और भाई वो एपिसोड एयर ही नहीं हुआ कभी, तुम सोचो भाई उसने 3 साल टेरेंस से डांस सीखा, और एट द एंड टेरेंस ने उसको ना बोल दिया, विच गोज ऑन टू प्रूव कि भाई तहखाने में सोने से बुद्धि तो कम हो ही जाती भाई। बढ़िया है लेकिन यार, मैं टेरेंस सर के लिए नाचना चाहूंगा। गीता मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, टेरेंस माचो दाता है स्ट्रेट अप। भाई कितने टॉक्सिक हो तुम लोग, मैं बस बात बता रहा हूँ, और सीधा जो जिसकी भी बात हो, अरे तो मैच दाता, अरे मैच दाना, भाई इतनी बदतमीजी क्यों करते हो तुम लोग, टेरेस तो माचुदा था भाई, बहुत बदतमीज हो भाई तुम लोग, छी भाई छी। टेरेंस सर, मैं टेरेंस सर के लिए डांस करना चाहूंगा। अबे भाई एक तो कोई तो एपिसोड था यूट्यूब पे, उसमें एक येलो टी शर्ट में या शर्ट में, उसका नाम शायद लकी होता है बंदे का, और भाई वो आके नाचता है फुल टू, थुमके उमके लगाता है फुल टू, भाई बिछ जाता है स्टेज पे, और भाई ऐसी कुछ बात होती है, मैं गीता मैम के लिए डांस करना चाहूंगा, और बस भाई उसको सब रिजेक्ट कर देते हैं। गीता मैम कहती है रुक जाओ, और वो रुकता नहीं, और फैनचुद उसको ऐसे चुप करा रहा होता, और उसको गाना रोक देते तब भी नाच रहा होता है। और फिर भाई कहती क्या बदतमीजी कर रहे थे आप, ये कहता क्या, कहता कहती ये क्या किया आपने अभी, तो कहता मैम मैं आपको बस अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहता था।
और भाई उसने सुना दी गंदी वाली उसको ही। भाई गीता ने उसको नहीं, उसने उसको सुना दी कि मैम आप मेरी गुरु नहीं हो, आपका काम है जज करना, आप जज करो ना। ओ भाई उसने पूरा उसका 5 मिनट चाटा और बाहर जाके बिलबोर्ड वगैरह गिरा दिए DID के। और भाई वो नहीं होते जो पोस्ट इंटरव्यू होता है उसमें बकरा जाके उल्टा टहरे, वो रेमो वो चुप था पूरे टाइम। और भाई कह रहा अंदर बैठे मिस्टर काले, भाई ऐसे कैसे बोल सकता है कोई, मतलब भाई कह रहा वो अंदर बैठे मिस्टर काले गाली बक रहे हैं, और उसने बकी है सबसे ज्यादा गालियां बाहर आके। कह रहा मैं जो चूतियों को बिठा रखा है अंदर, जजिंग तो आती नहीं, मेरे गुरु बन रहे हैं। भाई गलत है भाई वो एपिसोड, लेकिन बढ़िया है भाई, वो बढ़िया नाचता है बंदा, स्ट्रेट अप चूतिया पा। यस सर, डॉलर इज द नेक्स्ट इंस्पिरेशन ऑफ इलन मस्क। हाँ भाई भाई बता दिया कर, रिकॉर्ड करनी होती है स्ट्रीम भाई, कर रहे होंगे, एक आधी डी स्क्रीन रिकॉर्डर पे आ जाएगी, यूट्यूब पे चढ़ जाएगी, 1 घंटे में चिल मार मिस्टर काले। हाँ भाई वही तो बात है, देखना यूट्यूब पे होगा भाई, मैं तुमको बताता हूँ किस नाम से जाके देख सकते हो, तुम लिख देना भाई DID लक्की ऐसा कुछ, तो रुकना मैं चेक कर लेता हूँ, लक्की मल्होत्रा शायद, हाँ शायद 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 मैं राइट। हाँ भाई DID लकी मल्होत्रा लिखोगे तुम लोग, आ जाएगी एक वीडियो, 38 मिलियन व्यूज है 12 साल पुरानी, उसमें बंदा बस पोस्ट इंटरव्यू में बकचोदी करता है भाई गंदी वाली। यस हाँ, और बताओ भाई रेमो डिसूजा वैक्सीन रेसिज्म भाई बहुत गंदा था रेसिज्म तो उसमें, मिस्टर क्या ले। हाँ भाई बदतमीजी भाई, यूट्यूब पर अपलोड करना था मुझे, स्नेहा को क्लिप भेजनी। सही है भाई, नेशनल TV पे, हाँ भाई चैनल पे आ रहा था ये, सच बात है उनके चैनल पे डली हुई, ऐसा नहीं किसी थर्ड पार्टी लॉन्डे ने गेर रखी हो, उनके चैनल पे है वीडियो भाई, और उन्हीं को गालियाँ पड़ रही हैं। बिफोर रोडीज डिड इट भाई, बिफोर इट वॉज कूल दे डिड इट भाई, DID वालों ने चेंज द टॉपिक कर दिया दोस्त, टेरेस पे ना चले क्यों क्यों कर रहे हो, स्नेहा भग गई, कौन स्नेहा दोस्त। तुम चुम्मन हो, चला जा ही रहा हूं यार, शिदू मोमो वाला। भाई वो लाल बिदूड़ी वाली वीडियो के लिए कितनी रिसर्च की थी, उसमें क्या रिसर्च भाई, उसमें तो भाई रॉ जोक्स ही थे, उसमें रिसर्च तो लगी नहीं यार कुछ। भाई चुप रहे, कुछ और बात कर, कुछ और क्या होती है भाई, तू टॉपिक दे कर लूंगा बात, बड़ा खुश लग रहा है। ठीक है भाई, मतलब फ्राइडे नाइट सोने जा रहा हूँ, इसमें खुशी की बात है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी तो कर नहीं दिया, कल लाइव आना। निकिता यादव रिव्यू, अबे क्या बहन के लंड, क्या ये श्वेताब गैंगवार की बेस्ट सेलर है, यहाँ पे बैठ के इसका रिव्यू दूंगा क्या, लड़की का नाम लिख के लिख रहे हो भाई, रिव्यू दे दो। लौट आओ स्नेहा, कौन है भाई स्नेहा, ये कौन है अब। एक और स्टोरी टाइम भाई, आप जॉनरा बताएं, हम उस फील्ड में फिर जाके सोचेंगे कहानी, यार ऐसे दिमाग पे नहीं रटी भी, एक ऐसे पर्टिकुलर कहानी याद नहीं कोई। DID शिपुडेन, हाँ भाई कब काम आएंगे क्या, गीता माँ 1 on 3 हैंडीकैप मैच फॉर कॉन्टिनेंटल टाइटल, ये क्या भाई। और सोचो भाई वही लड़ाई हो जाती, टेबल टेबल्स टेबल चेयर्स एंड लैडर्स मैच हो जाता, TLC खेल रहे जी। भाई लेंडा खा के दिखाऊं भाई, यार तू ऐसे मत बोला कर भाई, पोटी आ जाती भाई तेरी बंदी। नो भाई स्नेहा नो, चलो भाई जाने का टाइम हो रहा, अब बहुत टाइम हो गया तुमसे सजेशन लेने आया था, तुमने और क्लटर कर दिया मेरा दिमाग, और नींद आ गई भाई, चैनल में लड़की को ला। अबे बहन के लोड़े, ये क्या माइक चेंज करने सामान है क्या, एक दिन उठ के बस ब्लू स्नोबॉल बेच आया और लड़की ले आया है, बस बिठा दी टेबल पे लाके, जब मर्जी फेब कैम नीचे कर रहा हूँ ऊपर कर रहा हूँ भाई, व्हाइट बोर्ड टेढ़ा है तेरा, अब ठीक है भाई, अरे अब तो नहीं है, अब ठीक है ना ब्रो, भट रहा है क्या। हाँ भाई 2021 से किस दे के मचा देंगे, अरे बहन के लंड,
जाके भाई स्केल फुट स्टील के फुट्टे से चिंगारी निकाल, कुछ अच्छा काम कर भाई, कितना मचाएगा यार, बस कर भाई, मचा लिया हो तो। ओपी बोलते चड्डी खोलते, अरे खिलौड़ो ये क्या चालू कर रखा है अब, ये कहाँ से आ गया अब तुम्हारे दिमाग में, कुछ भी है ट्रेंड ना, कुछ भी बकवास करनी है, मतलब ओपी बोलते चड्डी खोलते। और भाई ये भाई एक किसी बंदे ना इसमें गाड़ी की वो लगा रखी थी, वो नहीं होती मोटिवेशनल पोस्ट जिसमें अल्फा लौंडे गाड़ी चला रहे होते हैं, उस पे लिखा हुआ था बस ओपी बोलते चड्डी खोलते गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुबह उठते ही पोस्ट कर देंगे भाई। तेरी मम्मी से मिला मैं जगराते में, बिठाया उन्हें गाड़ी में, दिया उनको प्रसाद, देखो जी क्या है बात, बंदे हैं हम खुश मिजाज, मैं तुम्हें रिमोट का काट लें।